नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। ज्ञानव्यापी विवाद पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने विपक्षियों को ऐसा धोया है कि वो अब कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में इस वक्त ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद गरमाया हुआ है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में योगी सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय कुमार निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल बलिया पहुंचे मत्स्य विभाग के मंत्री संजय कुमार निषाद ने इस मामले पर मीडिया से सवाल किया है तो उन्होंने कहा कि बीजेपी और देश की जनता राष्ट्रवाद के लिए संकल्पित है। कुछ लोग इसी देश के निवासी हैं जो किसी दूसरे धर्म के शिकार हो गए हैं। उनके दिमाग में जहर घोला जा रहा है, उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके दिमाग में भी राष्ट्रवाद आ जाए, वो भी भारतीय संस्कृति को दिल से लगाए। निषाद ने कहा कि जिन चीजों का आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था उसका जीर्णोद्धार किया जाए। साथ ही धारा 370 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में दंगा फसाद खत्म हो गया है। शिक्षा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, उसके कार्यकर्ता संकल्पित है, देश की जनता भी संकल्पित है। कुछ लोग इसी देश के निवासी हैं, किसी दूसरे धर्म के शिकार हो गए हैं, उनके दिमाग में जो जहर घोला जा रहा है उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके दिमाग में भी राष्ट्रवाद आ जाए, वो भी इस भारतीय संस्कृति को दिल से लगाए और उसके पुनर्गठन के लिए भारतीय संस्कृति को जो पिछले जो आक्रमणकारियों ने उसे नष्ट किया था उसे फिर से पुनरुद्धार करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए, उसे धरातल पर लाने के लिए, ये भारत की संस्कृति है। ये सभी इस देश में जनता जो रहती है उसकी संस्कृति है और दुनिया में इस भारत की संस्कृति को सीखने लोग आते थे, उसे भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी मानसिकता ही है वो हारे लोग हैं, हताश लोग हैं। जब हारे और हताश लोगों का क्या जवाब दिया जा सकता है? जो वादा करती है भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा करती है, ये जनता समझ चुकी है। धारा 370 70 साल में की पूरा किया। वहीं इस दौरान मंत्री जी ने कहा कि सभी विभागों के मंत्री अलग अलग बनाए गए हैं, उसके लिए प्रमुख सचिव बनाए गए हैं और 18 मंडल के मंत्री भी बनाए गए हैं। सभी 18 मंडलों में एक एक मंत्री को जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने मंडलों में जा करके विभाग को चेक करे। संजय कुमार निषाद ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सुशासन पर मोहर लगाई है, जिसको दोबारा हम लोग सुदृढ़ करने के लिए आए हुए हैं। उसमें हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। संजय कुमार निषाद ने कहा कि सरकार की मंशा है कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जो अंतिम गरीब गांव के लोग हैं, पीड़ित हैं, 70 साल से पिछली सरकार की नीतियों के शिकार रहे हैं, ऐसे लोग के दरवाजे तक योजनाएं पहुंचे। कोशिश की जा रही है कि जो सरकार की योजना है, सरकार की जो मंशा है, अधिकारी उसके अनुरूप काम कर रहे हैं, यही हमारा मिशन है ताकि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। वहीं जुरान मत्स्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह से रामराज में रावण राज खत्म हुआ और लोग गले मिलकर रहते थे, उसी तरीके से गले मिलकर रहेंगे। जहां जहां मंदिर थे वहां वहां मंदिर बनेंगे, सभी धर्मों का आदर होगा। आज मोदी जी और योगी जी गरीबों को अनाज दे रहे हैं, उनके बच्चों का इलाज कर रहे हैं, आवास दे रहे हैं। राम मंदिर रहा, इस देश की संस्कृति का विकास रहा, कभी भगवान राम और निषाद राज गले मिले थे, रावण राज खत्म हुआ, राम राज आया था, उसी तरीके से सबको गले लगाकर भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ धरातल पर पहुंचा रही है, इसलिए पूरे देश की जनता खुश है और सारे मंदिर, सारे संस्कृति जहाँ जहाँ हमारे केंद्र हैं वो सब बनेंगे और सभी धर्मों का आदर भी है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मुसलमान को भी सोचना पड़ेगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वो ज़्यादा गरीब हैं और उनकी गलतियों को जैसे है जिन जो नेता हैं और आज उनका अनाज माननीय मोदी जी योगी जी, उनके बच्चे का इलाज माननीय योगी जी मोदी करा रहे हैं, उनका घर कौन दे रहा माननीय योगी जी, तो बिना भेदभाव के सभी धर्मों का सभी लोगों का स्नेह दे रहे हैं तो माननीय इसके लिए मैं समझता हूँ। वहीं उन्होंने ज्ञान व्यापी पर ओवैसी के बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा जिस पेड़ से उनकी इज्जत बढ़ी है उसे ही वो खाद पानी डालते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो 2017 में जब बीजेपी में सटे तो क्या हुआ और जब बीजेपी से हटे तो उनका क्या हाल हुआ सभी ने देखा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सरकार ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बढ़ते विवाद को सरकार शांत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है और कैसे इस विवाद को शांत करती है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।